हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आज हमारा सब्जेक्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो इन दोनों में हम डिफरेंस आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इनका डिफरेंस है मीनिंग इनका। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इट इज़ अ स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स ऑफ द इकॉनमी। जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो किस चीज़ की स्टडी करती है? इंडिविजुअल यूनिट्स की, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स की, मतलब हर एक की अलग अलग से, हर एक यूनिट की अलग अलग से स्टडी करती है। बट अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये कैसे स्टडी करता है? इट स्टडीज द इकॉनमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी को एक साथ स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। आगे हम बढ़ते हैं। सेकेंड इनका डिफरेंस है सेंट्रल इशू। अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेंट्रल इशू क्या है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। ठीक है, इसमें किस चीज को देखा जाता है, मेन किस प्रॉब्लम की तरफ ध्यान दिया जाता है कि रिसोर्सेज कैसे एलोकेट करने हैं और प्राइजेस कैसे डिटरमाइन करने हैं। लेकिन हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें किस चीज का इशू होता है, मेन सेंट्रल प्रॉब्लम होता है? डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। मतलब आपका टोटल आउटपुट क्या है, टोटल जो है वो एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है आपकी पूरी इकॉनमी में, उस चीज़ को लेके इसमें डिटर्मिनेशन किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो है वो इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या हैं? यूजेस माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। इसमें माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या हैं? कंज्यूमर डिमांड, प्रोड्यूसर्स की क्या सप्लाई है, कंज्यूमर की कितनी डिमांड है, ये वेरिएबल्स होते हैं आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें क्या वेरिएबल्स होते हैं? जैसे एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड यानी मिलके पूरी जो है इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी की डिमांड की बात कर रहे हैं हम, किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं इसमें। एग्रीगेट सप्लाई, टोटल एग्रीगेट मतलब टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, एग्रीगेट का मतलब ये हो गया टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और ये टोटल पूरी आपकी सप्लाई कितनी है सारी यूनिट्स की, सारी फर्म्स की टोटल सप्लाई कितनी है, वो हो गए आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स। अभी आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पे। माइक्रो इकोनॉमिक्स किन किन चीज़ों से डील करती है? जैसे कि इंडिविजुअल इनकम, मतलब इंडिविजुअली हर एक इंसान की इनकम, इंडिविजुअल प्राइजेस, पर्टिकुलर किसी भी चीज़ के प्राइजेस, चाहे वो कोई सोप हो, चाहे वो कोई फर्नीचर में कोई चीज़ हो, इंडिविजुअल आउटपुट देखेगी हर एक फर्म का। लेकिन अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो वो किस चीज़ से डील करता है? एग्रीगेट्स के साथ डील करता है। एग्रीगेट्स मतलब बनता है ना टोटल पूरा। सो नेशनल इनकम, नेशनल इनकम मतलब यानी पूरे इकोनॉमी की इनकम की बात हो रही है, या पूरे नेशनल आउटपुट की बात हो रही है, जनरल प्राइस लेवल, यानी किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस की बात नहीं हो रही है, जनरल प्राइस लेवल की बात हो रही है। ठीक है, अगला पॉइंट है थियरी। इसे कहा जाता है प्राइस थियरी माइक्रो इकोनॉमिक्स को, और मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या जाता है? इनकम थियरी कहा जाता है। ठीक है, अब इसे प्राइस थियरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें प्राइस डिटरमिनेशन को लेके बात हो रही है। और इसे जो है हम इनकम थियरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें लेवल ऑफ आउटपुट की बात हो रही है, इनकम की, एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, इसलिए इसे इनकम थियरी कहा जाता है। अगला हम पॉइंट पढ़ते हैं मेथड ऑफ स्टडी। ठीक है, इसमें क्या मेथड यूज़ किया जाता है स्टडी करने के लिए? यहाँ बात हो रही है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ठीक है, पार्शियल मतलब एक पार्ट, कुछ पार्ट की बात हो रही है इधर। सो इसका मीनिंग क्या है? पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस का मीनिंग क्या है? इक्विलिब्रियम इन वन मार्केट, नो चेंज इन अदर मार्केट। यहाँ पे क्या होगा, एक मार्केट में तो इक्विलिब्रियम होगा, लेकिन हम एज्यूम करेंगे कि बाकी जितनी भी अदर मार्केट्स है उसमें कोई चेंज नहीं है। आगे है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, यहाँ बात हो रही है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो यहाँ पे कौन सा मेथड यूज होता है? जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। अब इसका क्या मतलब है? साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम इन ऑल मार्केट्स। ये जो है आप एग्जाम में मत लिखना, ये समझाने के लिए सिर्फ मैंने आपको लिखे हैं। सो मतलब जितनी भी मार्केट है ना, उन सब में एक साथ इक्विलिब्रियम देखा जाता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और किसी पर्टिकुलर एक मार्केट में इक्विलिब्रियम देखा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लास्ट पॉइंट है आपका अजम्पशंस। सो अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, ऑल मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर कॉन्स्टेंट। जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स थे वो सारे इसमें कॉन्स्टेंट एज्यूम किए जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जितने भी आपके माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं उन सबको कॉन्स्टेंट माना जाता है, यानी इन दोनों में एक दूसरे के वेरिएबल्स को कॉन्स्टेंट माना जाता है।
इस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई है आपकी, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे कि आपका नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट वगैरह। सो यहीं के साथ आपका टॉपिक खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।